मामला ये है कि प्रदेश देश की हालत बुरे हैं। कांग्रेस जो है एक राष्ट्रीय पार्टी और प्रमुख ऑपोजिशन की तरह हमेशा से कार्य करती रही। पहले सत्ता में शान से राज किया था और अब एक ऑपोजिशन की तरह खाली एक कांग्रेस ही जो है आगे बढ़कर आ रही है सारी समस्याएं उठाने। ऐसा लग रहा है जैसे बाकी लोगों को तो सिर्फ आगे चुनाव दिख रहा है, लेकिन हम लोगों को, हम देख रहे हैं कि हमारा किसान, जैसा कि अध्यक्ष जी ने भी कहा, जो हमारा अन्नदाता है वो किस कदर परेशान है। एक तो कभी GST की मार, कभी नोटबंदी की मार, ऊपर से अब खाद जैसी चीज़, DAP खाद, यूरिया खाद, जो कि एक सबसे अनिवार्य चीज़ है किसान के लिए, खेती के लिए, हमारे लिए, हमारे पूरे देश के लिए, वो उपलब्ध नहीं है। लाइनों में खड़ा है, मारामारी हो रही है, कोई सुनने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं। ये मुझे समझ नहीं आ रहा है सरकार क्या करना चाहती है। एक तो महंगाई की मार, बेरोजगारी की मार, ऊपर किसान इस तरह से परेशान, तो वो कोई खेती करे कि लाइनों में खड़ा हो। इसी के विरोध में हमारी प्रियंका जी के आह्वान पर हमारी पूरी कांग्रेस, उत्तर प्रदेश कांग्रेस की कमेटी और जिलों तक, महानगरों तक, कस्बों तक ये बात पहुंचाना चाह रही है, जन जन तक, आप लोगों के माध्यम से और ये ज्ञापन के माध्यम से हम प्रेसिडेंट तक और जहां ऊँची जहां तक पहुंच सके हमारी बात हम पहुंचाने के लिए यहां DM के माध्यम से आए हैं। और उम्मीद करते हैं कि इस पर कोई एक्शन होगा। ये कोई चुनावी प्रक्रिया ना मानकर BJP इसको लाइटली कर देती है। BJP वालों को चाहिए कि इस वक्त अगर उन्हें वाकई में कुछ सिंसियरिटी है तो वो भी इस मामले को सुने, देखें और इसमें कुछ एक्शन हो, किसानों के लिए कुछ हो, हम ये चाहते हैं। प्रदेश के आह्वान पर, हमारे माननीय प्रियंका जी के आह्वान पर, जो किसान हमारा जो एक सबसे नंबर वन चीज़ है, हमें किसान जो हमारे लिए हमें उपज का वो देता है, उसी में हम लोगों ने आज जो BJP की गवर्नमेंट है, ये DAP खाद और खाद पे जिस तरीके से काला बाजारी हो रही, लोगों को मिल नहीं रही है, किसान हमारा खेत खलियानों को छोड़ के लाइन में लगा हुआ है, उसी लिए हम लोग यहाँ पर उसका विरोध करने के लिए आए हैं। और हम ये कहना चाहते हैं, कांग्रेस जनहित की बात करती है, कांग्रेस हमेशा किसानों की बात करती है। आपने देखा होगा कि नरेंद्र मोदी और दोनों ये BJP की सरकार थी, इन्होंने किस तरीके से एक साल तक किसानों को परेशान रखा, और आखिर में जो हमारे माननीय राहुल जी ने कहा था कि इनको वापस लेना पड़ेगा कानून, इन्होंने कानून वापस लेना पड़ा। उसके बाद अब क्या है, इन्होंने किसानों पे एक जो बहुत बड़ा कोठाराघात किया है कि किसानों को खाद नहीं मिल रही है, किसानों पे DAP नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से वो सब काम छोड़ के लाइनों में लगे हैं। इसी के विरोध में हम लोग आज ये प्रदर्शन करने जिलाधिकारी कार्यालय पर आए हैं।